फिलहाल रुक करते हैं अपनी खास पेशकश का, कैसे आने वाले टाइम में चैटिंग का अंदाज बदल सकता है बॉट टेक्नोलॉजी के जरिए, हम आपको बताते हैं। आपके स्मार्टफोन पर चैटिंग ऐसी चीज है जिसके बिना शायद आप रह नहीं पाए, लेकिन आपके चैटिंग का पूरा एक्सपीरियंस भी अब बदलने जा रहा है, क्योंकि बॉट टेक्नोलॉजी से अब आपका मैसेजिंग का अनुभव पूरा बदल जाएगा। लेकिन क्या है ये बॉट टेक्नोलॉजी, आपको हम जरूर बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोई किताब खरीदनी हो या फिर कोई पिक्चर देखनी हो, अब बार बार गूगल करने की जरूरत नहीं है। फिल्म देखने का मन है लेकिन उसमें एक्टर कौन है, इसके लिए भी गूगल या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो, इसके लिए भी किसी ऐप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आ गया है बॉट। अब जानकर हैरान होंगे कि आखिर ये बॉट है क्या। दरअसल बॉट एक सॉफ्टवेयर है जो आपके मैसेजिंग ऐप्स पर मिलेगा। आप व्हाट्सएप मैसेंजर करते हुए अपनी पसंद की हर चीज बॉट से हासिल कर सकेंगे। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। सोचिए आपको किताब खरीदनी है, आपको सिर्फ टाइप करना होगा बुक। इसके बाद आपको किताब खरीदनी हो तो आपको टाइप करना होगा बाय बुक। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट की किताब चाहिए तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे बुक मोदी। इसके बाद आपको पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक इसी तरह आप नई फिल्मों के रिलीज के बारे में बॉट पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप को छोड़कर सभी मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर गपशप अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा रहा है। फ्लाइट बुक करती है या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करती है, आपको एक SMS आता है। इन अ वे वो बॉट ही है जो आपको एक मैसेज भेजता है, कॉन्फर्मेशन, राइट। अब क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द SMS चैनल, ये मैसेज आपको फेसबुक मैसेंजर या स्लैक या व्हाट्सएप से आएंगे, और वहाँ से आएंगे पर केयरफुली, मतलब स्पैम नहीं होगा, इट्स कंट्रोल्ड एंड सो ऑन, और आप जवाब भी दे सकती है, एंड द इंटरेक्शन इज मच रिचर, राइट, इट्स मच मोर इंटरेक्टिव। हालांकि गपशप के को-फाउंडर दावा कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हो सकती है। बॉट टेक्नोलॉजी एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसे यूज करके आप अपने स्मार्टफोन पे मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और रोजमर्रा का कोई भी काम कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एनी अदर ऐप्स या अपडेट्स। इसे आप अपना पर्सनल असिस्टेंट भी मान सकते हैं। कैमरा एंड दीपेंदु के साथ तान्या दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो क्या ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आने वाले टाइम में यहां तक कि मैसेजिंग के साथ साथ कह सकते हैं कि शॉपिंग इंटरेक्शन करने का आपका पूरा जो एक नजरिया है वो बदलने जा रहा है। कैसे बॉट से दुनिया बदलेगी, इसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ है बीरूड शेठ, को फाउंडर एंड CEO गपशप, और साथ ही दीपक रविंद्रन, फाउंडर एंड CEO लुकअप। दीपक, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक, ये बॉट क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्या ये कोई एक ऐप है, क्या ये कोई एक वेबसाइट है जहां पर आप जाके कुछ भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या फिर ये कोई एक नॉर्मल मैसेजिंग या वेब चैट है? देखिए, ये बॉट मींस अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज रनिंग ऑन अ सिस्टम। द आइडिया ऑफ अ बॉट इज टू मेक थिंग्स ऑटोमेटिक। सो वैसे आपको सिंपल टास्क दे सकते हैं या स्ट्रक्चर टास्क दे सकते हैं, दोनों तरफ से टास्क ये ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ एक्चुअल ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स व्हाट बॉट इज ऑल अबाउट। ऑलराइट, बॉट जो है वो किसी ऐप से अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली कुछ चीज को हमें जैसे सर्च करना है, जैसे मुझे फ्लावर्स खरीदने हैं, बुक खरीदनी है, मैं नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करूंगी, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बॉट टेक्नोलॉजी एक ऐप से अलग कैसे है, या किसी ऐप को अगर यूज मुझे करना है तो मैं बॉट टेक्नोलॉजी क्यों यूज करूं? इट्स ऑल अबाउट इवोल्यूशन, राइट। सही है कि हमारे पास स्मार्टफोन था, अभी हर जगह पे हर आदमी को स्मार्टफोन है, उसमें एप्स आया पहले, और पहले SMS से बारे एप्स आया, और एप से बारे अभी तो प्लेटफॉर्म है मैसेजिंग ये वाला SMS का प्लेटफॉर्म अभी इंटरनेट में शुरू किया, वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम या
एनी अदर मैसेजिंग, फेसबुक मैसेंजर, ये सब मैसेजिंग ही चलता है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर से चलता नहीं हमारा लोग मैसेजिंग से चलता है. इट्स मैसेजिंग व्हिच इज चैट इज ईटिंग द वर्ल्ड. And when messaging become a platform, these bots become the new apps. So basically what it means is in the operating system, which is going to be the messaging platform, these bots will control the whereabouts, like what to do and what not. So new kind of interaction model keh sakte hain, artificial intelligence keh sakte hain, jahan par aap kisi human se nahi chat kar rahe hain balki ek software system se chat kar rahe hain. Lekin business ke liye kaise faydemand ho sakta hai, ye Beerud Sheth se hum jante hain. Beerud, बॉट टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली कैसे काम करती है किसी बिजनेस या ब्रांड को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और लुकअप कैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है? इन द हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, राइट, इन द मिड 80s, यू नो द वे वी यूज कंप्यूटर्स कीप्स चेंजिंग. इन द मिड 80s वी वुड यूज डेस्कटॉप्स अलोंग विद डेस्कटॉप क्लाइंट्स. इन द मिड 90s वी स्टार्टेड यूजिंग ब्राउजर्स विद वेबसाइट्स. In the mid 2000s, we started using smartphones along with apps, and now we are on the verge of another big shift. We're going to start using our messaging app, right? Whether it's WhatsApp or Facebook Messenger or Slack or Telegram and so on, as the platform, and we'll be able to send and receive messages with what's called as a bot, right? So bots are becoming very popular. And that's going to be the new way in which you interact with businesses. So every business, every brand is going to need to build a bot. And what Gupshup does, you know, we just announced the launch of our bot builder platform. It's a platform that enables businesses, brands, startups, or any developer to build a bot quickly, effectively, you know, and we've automated all the hard work that they need to put in to build a bot. It's already done. They just need to focus on their unique characteristics. All right, Beerud, ये टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बॉट टेक्नोलॉजी की पहले से कैसे मौजूद है, जैसे सीरी हो गया, हेल्प चैट हो गया, उससे कैसे डिफरेंट है ये? मैसेजिंग और गपशप पिछले काफी सालों से मैसेजिंग बिजनेस में है. आप सोचिए, जब फीचर फोन्स में द ओनली वे टू डू मैसेजिंग वॉज SMS, तो आप जब बैंक ट्रांजेक्शन करती है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन करती है, यू नो, कोई फ्लाइट बुक करती है या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करती है, आपको एक SMS आता है. इन अ वे वो बॉट ही है जो आपको एक मैसेज भेजता है, कॉन्फर्मेशन, राइट. सो ये थोड़ा बेसिक सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एग्जांपल था, पर ये तो काफ़ी सालों से हो रहा है. एंड यू नो, गपशप मैनेज, वी वर्क विद अबाउट 20,000-30,000 बिजनेसेस, वी हैंडल 4 बिलियन मैसेजेस एवरी मंथ. तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स मैसेजेस आ रहे हैं, कब काफ़ी सालों से हो रहा है. अब क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द SMS चैनल, ये मैसेज आपको यू नो फेसबुक मैसेंजर या स्लैक या व्हाट्सएप से आएंगे, और वहाँ से आएंगे पर केयरफुली, मतलब स्पैम नहीं होगा, इट्स कंट्रोल्ड एंड सो ऑन, और आप जवाब भी दे सकती है. एंड द इंटरेक्शन इज मच रिचर, राइट, इट्स मच मोर इंटरेक्टिव. सो ये जो पहले जो बेसिक बॉट था जो सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा था, अब और भी एडवांस्ड हो जाएगा कि आप कॉन्वर्सेशन कर सकती है, कस्टमर सपोर्ट कर सकती है, ट्रांजैक्शन भी कर सकती है, जो SMS से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कंज्यूमर्स को उतना पसंद नहीं था SMS में. पर यहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी के साथ होगा, तो यू नो, इन अ वे इट्स अ वेरी सिंपल एंड नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ व्हाट गपशप हैज बीन डूइंग एंड व्हाट बिजनेसेस हैव बीन डूइंग. तो कंज्यूमर्स हैव बीन यूजिंग इट ऑलरेडी एंड नाउ दे आर गोइंग टू डू मच मच मोर विद मैसेजिंग. तो और भी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी सर्च हो जाएगी, जरूरत के हिसाब से आपको जिसकी भी चीज की जरूरत है उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे. Beerud, एक और बात बताइए, ये टेक्नोलॉजी कैसे बड़ी हो रही है, कैसे एक्सपैंड हो रही है, और कैसे लोगों को रोजाना के काम में इससे मदद मिलेगी, ये जानना भी बेहद जरूरी है. आई थिंक यू नो, बॉट्स बिकॉज दे सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ये पूरा इंटरफेस वैसे कॉन्वर्सेशनल है, राइट. तो इट्स गोइंग टू बी ऑल थ्रू अ मैसेजिंग ऐप. सो धीरे धीरे इसमें AI, जो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आएगा कि बॉट्स, ये सॉफ्टवेयर आपके साथ आदमियों की तरह बात कर सकता है, राइट. सो आप सवाल पूछोगे, इल प्रोवाइड एडवाइस, इल प्रोवाइड सजेशंस, इल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस एंड सो ऑन. सो इल बी एक्चुअली लाइक यू आर टॉकिंग टू ह्यूमंस. सो इट विल गेट मोर पावरफुल. या सीरी इज वन एग्जाम्पल, बट देर आर मेनी मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ बॉट्स where you know, they can help you in a very simple and very useful way. All right. Beerud, जो आपने बात कही और उसी का जवाब मैं एक्चुअली दीपक से भी लेना चाहूंगी. दीपक, आने वाले टाइम में
कोई ऐप यूज क्यों ना करे और बॉट टेक्नोलॉजी ही यूज करे, और कितना पॉपुलर आपको लगता है ये हो सकता है पर्टिकुलर, और लगता है आपको कि ऐप को रिप्लेस करेगा बॉट टेक्नोलॉजी? So it's relatively very early days of developing a full bot structure around the world, and they say Siri to like you cannot ask structured questions. Siri to ye Siri kya hai ki they don't learn from your pattern. Kaise bot hai jaisa like it will actually learn from what you do with the bot. So it requires constant attention and constant touch. And the second thing is, like I said, bot is more structured way of doing things, where Siri is not a structured way. Bot mein aap ek question aayega, uske saath options bhi milega aapko. Kyunki aapko grocery chahiye to grocery kaun sa tarah chahiye? Ye vegetables ya fruits? Ye sab aayega options tarah. So it makes it more touch towards completing the task. Problem kya hai ki especially in India localization is the key. Hamare log itna bhasha mein baat kar sakte hain, English is still not proved so in the bot, so it will take a lot of time for evolve and penetrate into mass. Ha, kuch penetration problem ho sakti hai jab tak, kyunki regional centers mein jaakar, regional areas mein jaakar jab tak iska penetration nahi hogi tab tak shayad iska real matlab logon ko samajh na aaye aur usage na ho. Beerud, ये टेक्नोलॉजी कब तक हमारे स्मार्टफोन्स पर आ जाएगी और क्या बहुत इंटीरियर इलाकों में जाकर लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? सो यू नो, ये हमारा जो बॉट प्लेटफॉर्म है, इससे कोई भी डेवलपर तुरंत ही यू नो इजीली क्विकली बॉट्स बना सकता है. सो एज पार्ट ऑफ दैट यू नो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हेल्प द डेवलपर इकोसिस्टम, राइट? सो वी हैव क्रिएटेड सम सैंपल बॉट्स एंड इन फैक्ट वी आर गोइंग टू ओपन सोर्स दोज बॉट्स so that developers can look at how they were built. In fact, they can use that bot to build their own bot or to add more capabilities into it. So it gets them started at a very high level rather than starting from scratch, right? So ye jo developer ecosystem hoga ki developers dusre developers ko madad karte hain, to ek ke sath sare, you know, the whole All community right. can improve the quality of bots. तो एक एनरिच्ड एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस है, जहां पर आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से ना चैट करके एक सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं और पर्सनल क्वेश्चंस या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछकर आप अपने सर्च को पूरा करते हैं. थैंक यू सो मच बिरुद शेठ और दीपक रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में. तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस.